देखिए, जो हमारा ये 4/19 जो केस है, जिसमें आज़म खान ने अपने बेटे को विधायक बनाने के लिए 2 जन्म प्रमाण पत्र का जो उपयोग किया था, 1 जन्म प्रमाण पत्र तंजीम फातिमा और आज़म खान स्वयं ने नगरपालिका रामपुर से बनवाया था, और वही दूसरा जन्म प्रमाण पत्र लखनऊ से बनाया था, जिसमें रामपुर की ACGM MPMLA कोर्ट ने उनको 7-7-7 वर्ष की तीनों को सज़ा सुनाई थी। चूँकि जिन धाराओं में ये मुकदमा है, 420, 467, 471, 468, तो जो 467 जो धारा है, उस धारा में जो प्रावधान है, वो प्रावधान तो आजीवन कारावास का है, लेकिन चूँकि ACGM कोर्ट की जो लिमिट है सज़ा की, वो 7 वर्ष ही है, तो हम अपने अधिवक्ताओं से पूरा मशवरा करके हम जो अपीलीय कोर्ट है, सेशन कोर्ट रामपुर की, उसमें धारा 467 के अंतर्गत हम ये अपील करेंगे कि आज़म खान को 467 धारा के अंतर्गत आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई जाए। तो इसके लिए हायर कोर्ट चाहिए? हाँ, इसके लिए रामपुर में ही सेशन कोर्ट है, उसमें हम ये अपील दायर करेंगे, क्योंकि जिस तरीके का ये अपराध किया गया है और जिसके द्वारा ये अपराध किया गया है, क्योंकि कभी भी किसी लोक सेवक के द्वारा हिंदुस्तान की राजनीति में ये पहली बार ऐसा हुआ है कि कोई लोक सेवक इस तरीके के अपराध कर रहा है कि अपने बेटे को विधायक बनाने के लिए, जिसमें वो स्वयं इन्वॉल्व है, और रामपुर की कोर्ट ने अपने निर्णय में, ये अपने आदेश में ये साफ साफ लिखवा है कि अगर लोक सेवक इस तरीके के कार्य करेगा तो वो जनता को मैसेज क्या देगा। तो हम इसी मामले में, तो इसमें तीनों लोग रहे, कौन कौन रहेगा इसमें शामिल, जिसकी अपील करेंगे? देखिए, वो तो जो अपील होती है वो केस को लेकर होती है, मुकदमे को लेकर होती है, तो उसमें जो जो जिन जिन को 7-7 वर्ष की सज़ा मिली है, उन सभी के लिए हम जाएंगे, और हम न्यायपालिका से ये मांग करेंगे कि इनके जघन्य अपराध को देखते हुए इन सभी को आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई जाए। देखिए, जो हमारा ये 4/19 जो केस है, जिसमें आज़म खान ने अपने बेटे को विधायक बनाने के लिए 2 जन्म प्रमाण पत्र का जो उपयोग किया था, 1 जन्म प्रमाण पत्र तंजीम फातिमा और आज़म खान स्वयं ने नगरपालिका रामपुर से बनवाया था, और वही दूसरा जन्म प्रमाण पत्र लखनऊ से बनाया था, जिसमें रामपुर की ACGM MPMLA कोर्ट ने उनको 7-7-7 वर्ष की तीनों को सज़ा सुनाई थी। चूँकि जिन धाराओं में ये मुकदमा है, 420, 467, 471, 468, तो जो 467 जो धारा है, उस धारा में जो प्रावधान है, वो प्रावधान तो आजीवन कारावास का है, लेकिन चूँकि ACGM कोर्ट की जो लिमिट है सज़ा की, वो 7 वर्ष ही है, तो हम अपने अधिवक्ताओं से पूरा मशवरा करके हम जो अपीलीय कोर्ट है, सेशन कोर्ट रामपुर की, उसमें धारा 467 के अंतर्गत हम ये अपील करेंगे कि आज़म खान को 467 धारा के अंतर्गत आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई जाए। तो इसके लिए हायर कोर्ट चाहिए? हाँ, इसके लिए रामपुर में ही सेशन कोर्ट है, उसमें हम ये अपील दायर करेंगे, क्योंकि जिस तरीके का ये अपराध किया गया है और जिसके द्वारा ये अपराध किया गया है, क्योंकि कभी भी किसी लोक सेवक के द्वारा हिंदुस्तान की राजनीति में ये पहली बार ऐसा हुआ है कि कोई लोक सेवक इस तरीके के अपराध कर रहा है कि अपने बेटे को विधायक बनाने के लिए, जिसमें वो स्वयं इन्वॉल्व है, और रामपुर की कोर्ट ने अपने निर्णय में, ये अपने आदेश में ये साफ साफ लिखवा है कि अगर लोक सेवक इस तरीके के कार्य करेगा तो वो जनता को मैसेज क्या देगा। तो हम इसी मामले में, तो इसमें तीनों लोग रहे, कौन कौन रहेगा इसमें शामिल, जिसकी अपील करेंगे? देखिए, वो तो जो अपील होती है वो केस को लेकर होती है, मुकदमे को लेकर होती है, तो उसमें जो जो जिन जिन को 7-7 वर्ष की सज़ा मिली है, उन सभी के लिए हम जाएंगे, और हम न्यायपालिका से ये मांग करेंगे कि इनके जघन्य अपराध को देखते हुए इन सभी को आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई जाए।